हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त अमरीश साइम, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुपरमार्केट में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी की बात करें तो लगभग 50,000 इंडियन करेंसी में आपको सैलरी मिल सकती है। बात करें यूएई की करेंसी की तो लगभग 3,000 दिरहम तक सैलरी आपको मिल सकती है। बात करें जॉब्स की तो पहले आपको बताना चाहूँगा जो जॉब्स की वैलिडिटी है वो 10 से 15 दिन होने वाली है। दोस्तों लिस्ट आपके सामने है वैकेंसीज पोजीशन की, जैसे कि आप देख रहे हो कैशर चाहिए, बचर फिशरी चाहिए, मर्चेंडाइजर चाहिए और स्टोर सुपरवाइज़र और क्लीनर की यहाँ पर डिमांड है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो कैशर के की जो डिमांड है वो यहाँ पर लिखी गई है। वो सुपरमार्केट और ग्रोसरी एक्सपीरियंस, आपके पास सुपरमार्केट या किसी भी ग्रोसरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी POS सिस्टम पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो आपकी सैलरी 2 से 2,500 दरम के बीच में होगी। और जो मर्चेंडाइज की पोस्ट है उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और गुड नंबर का आपका रिटेलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी पैकेज आपकी नेगोशिएबल हो जाएगी। बात करें क्लीनर की तो मस्ट बी फैमिलियर रिलेटेड टू ऑल क्लिनिक टास्क, आप सारे क्लिनिक टास्क के साथ बिल्कुल फैमिलियर होने चाहिए। 1500 दिरहम सैलरी और आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होगा। बात करें कुछ और डिस्क्रिप्शन की तो बचर की जो वैकेंसी थी फिशरी की, उसके अंदर आपको मीट कटिंग सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरमार्केट का या किसी भी ग्रोसरी स्टोर का। बात करें सैलरी की तो 1500 दिरहम प्लस होगी। स्टोर सुपरवाइज़र के पास जो हैविंग प्रोडक्ट नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ यूई मार्केट, यूई सुपरमार्केट के प्रोडक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंडियन नेशनलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ इसके लिए। पैकेज की बात करें तो 3000 दिरहम प्लस अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड होगा। बात करें सुपरमार्केट की तो स्पॉट सुपरमार्केट है शारजा के अंदर, स्पेसिफाई बिलो नेशनलिटी और एजुकेशन मैंने आपको बता दी, एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया, फिर भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। सैलरी 1500 से 3000 दरम, बेनिफिट अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेंशन है, अपने सीवी को इस ईमेल एड्रेस पर मेंशन कर दीजिएगा। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब अप्लाई करें तो अपने जो सुपरमार्केट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट लाइन में अपने जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे मेंशन करने के बाद ही आप अप्लाई करें, और दुबई के सीवी फॉर्मेट में ही अप्लाई करें। अगर आपको नहीं पता कि दुबई का सीवी फॉर्मेट कैसा होता है, नीचे लिंक गिवन हो उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यदि आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।